कुत्ता भूख रहा था, कोई नहीं था रास्ते में। ओ भाई मारो मुझे मारो। हाँ गाइस कलिंपुंग में ये हमारा लास्ट डे है, थर्ड डे है ना ब्रो, थर्ड डे है ना ये हमारा। हाँ लास्ट डे है, थर्ड डे है ना। ओके कलिंपुंग में ये हमारा थर्ड डे है ना, लास्ट डे है। अभी हम यहाँ से मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे बस स्टैंड में जाके, उसके बाद सिलीगुड़ी जाएंगे। सिलीगुड़ी से फिर हम जाएंगे न्यू जलपाईगुड़ी मतलब जंक्शन जो न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, हाँ वहाँ पे जाएंगे। फिर हमारा ट्रेन है बरपेटा रोड का, तो जाएंगे घर जाएंगे उसके बाद। हाँ मतलब अभी 8 बज रहा है, तो रात के 8 बजे हमारा ट्रेन है। वाह मतलब 12 आवर्स है कम्प्लीटली, तो हम जाएंगे एंड फिर वो ट्रेन पकड़ेंगे। तो कल थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा मतलब घूमने गया था वो, क्या था उसका नाम, गेडन। हाँ गेडन मोनेस्ट्री, गेडन एक मोनेस्ट्री है, गेडन कुछ और भी नाम है, गेडन या फिर गेडन क्या है पता नहीं। तो वो मोनेस्ट्री में जाने का प्लान था हमारा, लेकिन होल डे हम वो मेकअप नहीं कर पाए, मतलब कि घूमेंगे हम वहाँ पे, टाइम वो मतलब नहीं था हमारे पास घूमने के लिए। तो फिर इवनिंग को हमने सोचा कि चलो घूम लेते हैं अभी, एंड थोड़ा एग्जॉस्टेड था हम बाहर घूमने के बाद। साइंस सिटी एंड मतलब साइंस सेंटर एंड वो क्या कहते हैं देलू पार्क एंड देलू व्यू पॉइंट, ये सब घूमने के बाद ना थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया था, थोड़ा थक गए थे, तो रूम में के सो गए। तो फिर 4 बजे के बाद मैंने सोचा कि चलो आज ही लास्ट डे है, अगर नहीं घूमा तो फिर कभी घूम नहीं सकते वहाँ पे, वो मनिस्ट्री नहीं देख सकते। तो फिर हम गए मनिस्ट्री पे, ऑलमोस्ट रात हो चुका था, सुनसान एक रास्ता था, वो थोड़ा स्लिप वगैरह है, दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। तो ये जो रास्ता है ना, इससे हम अभी जा रहे हैं यार, मतलब काफ़ी सुनसान रास्ता है, कोई नहीं है रास्ते में, थोड़ा सा मतलब अंधेरा डर, भी हो रहा है। अंधेरा भी हो रहा है, डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बट अच्छा एक्सपीरियंस है यार, अलग एक्सपीरियंस है, ऐसा एक्सपीरियंस मतलब कभी नहीं गया यहाँ पे आके। तो देखो देखो भाई कैसा है, वह कुत्ता भूख रहा है भाई, उसके वजह से और भी लग रहा है, कुत्ते से हम बहुत डरते एक्चुअली। कुत्ता भूख रहा था, कोई नहीं था रास्ते में, डर लग रहा था, मतलब बाकी मेन जो रास्ता है ना वो से वो अलग था, अलग एक रास्ता है एंड छोटा सा रास्ता है, दो एक गाड़ी जाता है कभी कभी, एंड बाकी सुनसान है कम्प्लीटली, लाइट वगैरह भी नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा अंधेरा हो चुका था। तो जा रहा था वहाँ से एंड कुत्ता भूख रहा था, डर लग रहा था, हमें एकदम हॉरर मूवी टाइप का फीलिंग आ रहा था, एंड तभी तो रात भी नहीं हुआ था। तो हम गए मनिस्ट्री पे, सबसे बुरा हमें तब लगा कि जब देखा कि मनिस्ट्री ना वो मतलब क्लोज थे अभी, मतलब जा नहीं सकते अंदर, वो बंद है। तो फाइनली हम गेडन मिनिस्ट्री पे आ गए, बट ये क्लोज है अभी, चलो कोई बात नहीं, ये दिखाते हैं थोड़ा। गूगल पे लिखा है 24 आवर ओपन है, तो इसलिए हम गए थे कि थोड़ा घूम के आते हैं देख लेते हैं, बट वो बंद था। तो फिर क्या कर सकते हैं अभी, फिर वापस आना है हमें, तो अंदर तो जा नहीं सकते। फिर वापस आते टाइम सबसे ज़्यादा डर लगा, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, हमारे पास फ़ोन का वो लाइट था, तो वो मतलब वो जला के हम वापस आ रहा था, मतलब रात को, रात को ब्रो कब कितना बज रहा था तब, 7 बजे के बाद ना हम हाँ वापस आ रहे थे जो वहाँ से, हाँ हाँ 6:30। आई मीन 6:30 होगा ऑलमोस्ट ना। ओके 6:30 के आसपास हम वापस आ रहे थे, तो अंधेरा हो चुका था बिल्कुल, एंड रास्ते में लाइट वगैरह था नहीं, वो यार तो रोश नहीं था, मतलब पिच डार्क था, रोश हाँ कुत्ता नहीं भूख रहा दिख था। तो क्लिप वगैरह है थोड़ा सा, वो ऐड कर दूंगा मैं, है ना। देखो एकदम हॉरर मूवी टाइप का फील है, तो तो बस कुत्ता भूख रहा था, वो सबसे डर लगता है, कुत्ते से बहुत डरते हो हम, डरते हैं हमें हम दोनों क्या एक्चुअली, नजारा था एकदम फरार वाला सीन। एकदम हॉरर मूवी का, हॉलीवुड का हॉरर मूवी सीन एकदम। तो चारों दोनों तरफ जंगल, बीच में एक हाँ रास्ता, और बहुत देर देर बाद एक एंड एक लोग रास्ते के पहुंचता पीछे मतलब रास्ते से अगर बाहर देखोगे तो खाई है बस, बस नीचे बहुत नीचे मतलब वो टाउन सा है ना है। कलिंबू। तो बस फिर हम आ गए फाइनली, दोनों तरफ जंगल, एक छोटा सा रास्ता बीच में से हाँ गुजरता रास्ते में छोटा सा एकदम, एक गाड़ी भी जाता है तो वो जा नहीं सकते ठीक से, है ना, है। इतना हाँ छोटा सा रास्ता है, कभी कभी वो बाइक वगैरह आता था, बट फिर भी आए हम, मतलब हर होटल का डर डर के, कुत्ते भूख रहा था, फिर भी हम आए वापस मेन रास्ते में आए। फिर मेन रास्ते पे आने के बाद थोड़ा डर कम हुआ हमारा, लाइट वगैरह था वहाँ पे, गाड़ी जा रहा था, वो स्कैरी रूट खत्म हो गया, अभी हमारा रास्ता हमें मंजिल मिल गया एक्चुअली। तो फिर हम आ गए रूम में, तो फाइनली रूम पे आ गए हम अभी, एंड बहुत ही स्टॉल किया हमने, है ना ब्रो, आखिर वो ओपन करते अभी लाइट जलाते हैं। तो ब्रो कलिम्पोंग का एक्सपीरियंस कैसा है थोड़ा बताओ, मतलब तुम ऐसे ही कुछ मतलब ऐसे ही बताओ। एक्सपीरियंस तो अभी तक अच्छा ही था, अभी तक लेकिन अच्छा फर्स्ट था, डे और लास्ट डे फर्स्ट डे लास्ट डे का, थोड़ा हाँ थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस हाँ था। फर्स्ट डे का वो एक्सपीरियंस जो हम कितना वो जो बोध हुआ कि हमने सात वो था कि नहीं, घंटे स्टेशन में गुजरना पड़ा, उसके बाद उसके बाद 3 घंटे चल के आना पड़ा हमारे रूम की तरफ। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर प्लस, हाँ 10 किलोमीटर से ज़्यादा होगा हमने वॉक किया। ओ भाई मारो मुझे मारो।
भाई क्या है ये, क्या मतलब भटक गया है? गूगल मैप देखो, आप गूगल मैप देखो क्या है। हाँ मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना अजीब रास्ता है ना ये सब। देखो आप बस ऊपर जा रहे हैं। अभी हमने ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर वॉक किया एंड अभी और 1 किलोमीटर वॉक करना है हमें होटल मतलब जहाँ पे हम रहेंगे वहाँ जाने के लिए। तो इसका नाम है कलिंपोंग भ्यू होम स्टे, तो वहाँ जाना है हमें अभी एंड वहाँ रहेंगे 2 दिन। तो वीडियो वगैरह बनाएंगे तो अपडेट रहने के लिए बस देखते रहो। एंड हमें और भी जाना है एंड बहुत सारा वॉक किया हमने, हाइकिंग किया, बहुत थक गए हम एक्चुअली। एंड ये जो बैग है ना इसके अंदर बहुत सारा चीज़ है, बहुत कपड़ा वगैरह है, तो इसको लेके हम वॉक कर रहे हैं हम दोनों। भाई थोड़ा फीलिंग कैसा है बस बताओ, कितना एग्जॉस्टेड हो, थोड़ा कैमरा के सामने आके बताओ ना। आई कांट इवन एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग नाउ। एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो यार, एक कुछ बोलो। इट वाज द मोस्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस इन माय एंटायर लाइफ आई हैव एवर। बट फिर भी यार कुछ कुछ मजा करने के लिए कुछ मतलब मतलब बोलने के लिए कुछ। हाँ हार्डवर्क का फल मीठा होता है, इसी मतलब एक्सपेक्टेशन के साथ हम वाला है, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, बस देखते क्या होता है। 2 किलोमीटर बाद हमारा होटल मिलेगा वहाँ पे, और भी 2 किलोमीटर जाना है। हाँ ओके यार बहुत भूख लगा है, 12 घंटे से ऑलमोस्ट कुछ नहीं खाया हमने, बस ग्लूकोज खाया हमने। चलो यार कुछ नहीं, थोड़ा हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे। फ़ोन पे चार्ज भी नहीं, क्या कर सकते यार। रात को 6 घंटे से 7 घंटे हमने वेट किया ट्रेन स्टेशन में ठंड में। तो ये सब फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस थोड़ा खराब था एंड बाकी लास्ट डे का वो एक्सपीरियंस हॉरर मूवी टाइप का जो एक्सपीरियंस है। हाँ ये दोनों एक्सपीरियंस छोड़ के बाकी सब एक्सपीरियंस होटल बहुत अच्छा लगा हमें। गाइस विंडो के पास हूँ मैं बैठा अभी एंड वहाँ दूर पहाड़ दिख रहा है, ये भी मतलब टफ हिल स्टेशन एक्चुअली, हिल का मतलब हिल स्टेशन का टफ पोजिशन है ये हमारे जो रूम है अभी। एंड बाकी वहाँ दिख रहा है हिल वगैरह, शायद क्लियर नहीं दिख रहा आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो नज़ारा दिख रहा है ना अभी थोड़ा बहुत, ये विंडो से दिखता है हमारा। ओके गाइस तो सुबह का नज़ारा हमारे बेलकनी से मतलब हमारे रूम से कुछ ऐसा दिखता है, अब देखो ज़रा। वाह जस्ट आज बहुत क्लियर है एक्चुअली, कल बहुत यहाँ पे वो जो क्लाउड वगैरह था, फॉग था, ये सब था, बट आज ऐसा कुछ है नहीं। अभी सुबह का टाइम है, शांत दिख रहे हो आप शायद थोड़ा थोड़ा करके। एंड इधर देखो भाई, इधर का नज़ारा भाई वाह एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर है आज तो। एंड इधर हमारे खिड़की से दिखता है, ये खिड़की देखो आप, विंडो स्टैंड। Look at the view, man. Sky. तो गाइस ये होटल रूम, ये मेरा पैर है एंड ये चप्पल है, ये शूज है एंड इसको अंदर चल देते हैं। डारल सो रहा है, नहीं दिखाया चेहरा, नहीं दिखाया गया, यहाँ पे आना है, चेहरा दिखाता हूँ मैं थोड़ा खुद का। नोट्स में लिखा है एंड हम नहीं दिखे, इसे नहीं फूकते, पीते नहीं, इतना भी बुरा नहीं लगता जो अगर मॉनेस्ट्री बाकी मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस ना बुरा एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस को अगर कंपेयर करें तो अच्छा एक्सपीरियंस ज्यादा है ना। तो ये ट्रेवल हमारा अच्छा अच्छा गया एक्चुअली, जर्नी हमारा अच्छा था एक्चुअली, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ब्रो कैसा लगा ब्रो, बस एक वर्ड में बताओ, जानी कैसा था बस ये बोलो। इट वाज फैंटास्टिक इंडिया। बाकी लोगों को रिकमेंड करोगे कलिंपोंग आने के लिए? जरूर, लेकिन इस मंथ जनवरी फरवरी में नहीं, मार्च से मार्च से जून तक जब हमारे वहाँ गर्मी होता है ना तब आओ। एंड तब यहाँ से जो कंचनजंगा का स्नो बर्फ वाला माउंटेन है ना यहाँ से दिखता है, यहाँ से ठंड लग रहा है, ठंडे में ठंड में नहीं लगता, ठंड में तो बगल का माउंटेन भी अच्छा से नहीं दिखता, फोगी फोगी। ये होटल कैसा लगा मतलब ये जो होटल, तो होटल हॉस्पिटैलिटी भी लाके क्या बोलू यार, वन ऑफ में बोलते एकदम इट वॉज मतलब सारे के सारे स्टाफ का अंकल का बिहेवियर बहुत अच्छा था। इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस टू स्टे हियर। एंड फूड वगैरह कैसा है, सब ठीक है मतलब मुझे तो सब ठीक लग रहा है अभी। एंड 5 स्टार से 5 स्टार दे सकते हैं हम इसको, 5 के अंदर 5 दे सकते हैं हम। अंकल का जो भी बिहेवियर है ना, जो भी होटल का, जो भी सारे का सारे होम स्टे का जो भी लोग हैं ना, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा मुझे एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा ये। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी बुरा एक्सपीरियंस था वो सब तो होता ही रहता है, बुरा एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस हमेशा वो एक साथ रहेंगे ही, हमेशा अच्छा बुरा हमेशा होता है, हर जगह होता है। तो
मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ यार माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, मेंटल हेल्थ को थोड़ा अच्छा करने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं घूमना चाहिए। हम भी घूमते हैं, तुम लोग भी घुमा करो। एंड चलो यार आज के लिए इतना ही, लाइफ जर्नी फिल्म के चलते चलते बाय बाय। ये मतलब हमसे हाइड एंड सीक खेल रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। हाँ आएगा आएगा, फिर से आएगा। ओके आ गया आ गया। हाँ 100-200 ज़्यादा लेपर लैंड कर दें। तो अभी जाने का टाइम है, आईना देख रहे हैं हम थोड़ा कैसा दिख रहा हूँ मैं वो। चलो फिर अभी स्विच ऑफ करते हैं, चार्जर को निकालते हैं, फिर इसको बैग के अंदर भरो ब्रो, मेरे बैग के अंदर। हाँ इसमें नहीं, इसमें यार गलती कर दिया तुमने बार बार। ओके ओके हाँ ओके इसमें 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 ओके इसमें हाँ इसमें लगा दो। ओके ओके ये खोल के, ये खोल के हाँ, क्योंकि पावर बैंक लगाना है। ओके लगा दो चेन। ओके डन, इसको बैग के अंदर हाँ वो सब करो। ये शायद खिड़कियाँ ओपन है, खिड़की लगाओ। मेरे हाथ कपड़ा है मेरा, भले बोलना पड़ेगा अभी इस रूम को, भले बोलना पड़ेगा। देखो कुछ छोड़ गया है कि नहीं, चप्पल को बाहर रखो, हमारा चप्पल बाय बाय। बहुत सारा बोतल है यार, नीचे गाड़ी, ये बहुत सारा बोतल, ये सामने खरीदा था अभी, यूजलेस है ये बोतल वाली वाला। ओके बाबा आए, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू फॉर हैविंग अस। यस थैंक यू फॉर हैविंग अस। अरे ताला मारना पड़ेगा इसको, लॉक करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, लॉक तुम करो। ओके अभी लॉक करेंगे, लॉक करो भाई। बाबा एक बार मुझे तुम बाबा बोलो, बाबा बोलो। यहाँ था बहुत अच्छा लगा, अभी बाबा बोलना पड़ेगा हमें, रूम वगैरह सब लॉक किया हमने, अभी बाहर बस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ओके बाबा यहाँ पे जाने के कुत्ता है क्या यहाँ पे, मुझे बहुत डर लगता है इससे भागने। अभी तो खोला है यहाँ पे ना, एक हमेशा कुत्ता रहता था। बाय बाय। मायाबी रातिर बुकु देखा पारु तुमार सोबी मायाबी रातिर बुकु देखा पारु तुमार सोबी धरा दीरा गुपोने आही प्रियार कुना তুমি যে মোৰ শুকান মনত নিয়ৰৰে চেচাত নামি অহা ৰদৰে লৈ মোৰ দেহত প্ৰতি পুৱা ধুমুহাৰ হতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন এন্ধাৰো হসা মোৰ বহু যুগৰে আপোন।